नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैराथन वीडियो देखने वाले हैं। तो जितने भी ITI फ्रेशर के छात्र हैं उन सभी को यह वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो यहाँ पर मैं आपको सेट कराने वाला हूँ यह दोस्तों निम्मी के द्वारा ऑफिशियल PDF जो जारी किया गया है सभी ट्रेड का, तीन तीन सेट का, तो उसी का दोस्तों ये है दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तीनों सेट मैं इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट वन, फिर सेट टू, फिर सेट थ्री को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर पहला देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ITI फर्स्ट ईयर का सेट नंबर वन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि टू बी इन ए जॉब आर वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है। तो देखिए नौकरी या काम में होना जो होता है दोस्तों ये आपका कहलाता है यहाँ पर एम्प्लॉय, यानी कि रोजगार। तो नौकरी कर रहे हैं आप या काम कर रहे हैं तो आप क्या हैं, रोजगार हैं, यानी कि रोजगार व्यक्ति हैं आप। ठीक, तो 51 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नौकरी या काम में होना रोजगार होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं द एबिलिटी टू डू इज, किसी को करने की क्षमता क्या है। तो देखिए करने की क्षमता क्या है, तो जो आपका होता है यहाँ पर कौशल, कौशल करने की क्षमता होती है। ठीक, कि आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर कौन कौन सा स्किल है। तो जो स्किल आपके पास होता है वही आपकी क्षमता होती है और आप वही कर सकते हैं। ठीक, तो द एबिलिटी टू डू इज स्किल, कौशल करने की क्षमता है। ठीक, तो यहाँ पर 52 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। देखिए एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति यहाँ पर करें, यानी कि जिसका कि ग्रोथ माइंडसेट वाला अगर पर्सन है तो वह हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो हमेशा ग्रो करने के लिए सोचता है, वह अपने आप को बदलने के लिए सोचता है और कुछ नया नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप एक विकसित मानसिकता या विकास मानसिकता वाले अगर आप व्यक्ति हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, खुद को चेंज करने के लिए, यानी कि आपको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने आप को बदलोगे और नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। तो ग्रोथ, चेंज और लर्न यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों जब आप लोग बचपन में छोटे रहे होंगे आपको भी पता होगा कि पहले हम लोग टेलीफोन लाइनों से बात करते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि कभी कभी देखे होंगे कि वहाँ पर STD बूथ भी लगा रहता था, लेकिन जहाँ पर आपके घर वाले क्या करते थे, किसी का कॉल आता था तो घर वालों को बुला करके ले जाते थे, वहाँ पर STD बूथ पर बात करते थे आप लोग। ठीक, आप लोगों को मम्मी पापा रहे होंगे तब आप लोगों को पता होगा, दादा दादी, तो ये सब आप लोगों को बचपन में लेकर जाते थे STD बूथ पर और वहाँ पर वो लोग बात करते थे। तो यही सब क्या है, जो STD बूथ है ये आपका इस समय प्रचलन में नहीं है, तो ये STD बूथ जो है आपका बंद हो चुका है। तो STD बूथ नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, जबकि ओला का आप प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, ऊबर का भी और स्विगी का भी आप लोग देखिए यूज करते हैं, ओला वही जो आप लोग ऑटो रिक्शा ये सब बुक करते हो, ऊबर ये सब बुक कर लेते हैं। ठीक, और स्विगी वही जो आप लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं, तो ये सभी आपके क्या है, ये सब नौकरियां अभी नई है, जबकि STD बूथ आपका ओल्ड हो चुका है। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए करें 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो देखिए 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल जो आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं वो क्या है, यहाँ पर ये कहा गया है। तो देखिए यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है, तो ये रहता है आपका इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, जॉब मार्केट हमेशा बदलता रहता है वो तो आपको भी पता है 21वीं सदी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जैसा यहाँ पर देखिए नए नए
टेक्नोलॉजी आती है उसी के अनुसार काम करने का तरीका सब कुछ मार्केट बदलता रहता है। ठीक, तो वही चीज यहाँ पर कहा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, नैतिकता का जो अर्थ होता है वो रहता है कि डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर ह्यूमन कंडक्ट। तो नैतिकता का अर्थ यही होता है कि आप खुद तय करें कि मानव के लिए क्या सही है क्या गलत है और उसी के अनुचित आप अपना काम करें, यही आपका नैतिक कर्तव्य होता है और यही नैतिकता का अर्थ भी होता है। तो इथिक्स मतलब यही होता है कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है, इसी को डिसाइड करना ही आपका नैतिकता या इथिक्स कहलाता है। ठीक, तो 56 के यहाँ पर पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यू आर, वैल्यूज क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जो वैल्यू होता है ना, ये अपना खुद का वैल्यू होता है कि मोटिवेशन आर एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो खुद अगर वैल्यू है, अगर मतलब वैल्यू किसका होता है, मोटिवेशन और एटीट्यूड एंड एक्शन। ठीक, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण आपको देखने को मिलता है वह आपको संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलता है। जो शुरू होता है प्रस्तावना हम भारत के लोग से, वही हम लोगों का प्रस्तावना होता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियम्बल्स। तो यह प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रस्तावना वही शुरू होता है आपका हम भारत के लोग से, विद द पीपुल ऑफ इंडिया से। ठीक, 59 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानने को यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग प्रदूषण के बारे में, काफी सारे प्रदूषण होते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, जिसमें से आप लोग वाटर प्रदूषण के बारे में पढ़े होंगे, एयर प्रदूषण यानी कि जल वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े होंगे, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जो आपको ग्रीन पॉल्यूशन होता है या किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका अनुचित पद ही यहाँ पर बताना था। तो ग्रीन पॉल्यूशन यानी कि हरित प्रदूषण, यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है। यहाँ पर इसका 59 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स आर नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वह सेकुलर देश कौन सा माना जाता है। देखिए, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर समान व्यवहार नहीं किया जाता है तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेकुलर कंट्री, यानी कि धर्म निरपेक्ष देश, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पर सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है वह धर्म निरपेक्ष देश या सेकुलर देश कहलाता है। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वो होता है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, यानी कि उद्योग क्रांति, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जबकि हरित जो आप क्रांति है, जो कि आपको कृषि से संबंधित है, जल क्रांति, ये सब वाटर, ये सब आप खाद्य सामग्री, सब कृषि उर्सी वाले करते हैं अपना, जबकि इंडस्ट्री उद्योग क्रांति मैन्युफैक्चरिंग से ही संबंध यहाँ पर रखता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं, वह 18वीं शताब्दी में हुई थी, और कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक, तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुआ था, यही यहाँ पर आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हार्ड स्किल, कठिन कौशल क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो कठिन कौशल होता है, ये आपका
देखिए होता है 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड होता है कंप्यूटर पर, जो आप लोग टाइपिंग स्पीड करते हैं ना, अगर आप 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो होता है उसको सबसे हार्ड यहाँ पर माना जाएगा इन चारों में से। ठीक, तो इन चारों में से सबसे कठिन कौन सा है? अंग्रेजी आप बोल सकते हैं दोस्तों, आप सीख लें तो बोल सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी आप अपना कर सकते हैं, लेकिन क्विक लर्न जल्दी से आप सीख भी सकते हैं, लेकिन टाइप 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड दोस्तों बहुत होता है। आप इसको अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लर्नर हैं तो आप 20-25 इतना कर पाएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आएगा, और इसमें भी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे हार्ड कौशल 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होता है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए अपने आप को विकसित करने के लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए कि नो योर सेल्फ, खुद को जानना चाहिए। ठीक, तो अपने आप को अगर विकसित करना है तो आपको खुद जानना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको किस काम को करने में मदद इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं। तो आपको खुद को ये जानना जरूरी है कि आप अपने आप को विकसित अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग खुद को जाने कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसके योग्य हैं। ठीक, यहाँ पर खुद को जाने आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंध क्या है? देखिए दोस्तों समय प्रबंध उसको कहते हैं, अगर कोई काम आपको दिया जाए समय पर आप उस काम को समय से कंप्लीट कर लेते हैं तो वह आपका समय प्रबंध है या टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि समय पर आप अपना काम तुरंत कर लेते हैं वही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपने कार्य को समय से पूरा करना ही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो 65 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? जब आप दोस्तों जॉब करने जाते हैं तो वहां पर आपको एक अपने बारे में पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, और उस ब्यौरे को ही हम लोग दोस्तों रिज्यूम कहते हैं, और ये रिज्यूम आपका जो भी हो, एक पन्ने दो पन्ने को जो भी हो वही होता है। और रिज्यूम में दोस्तों वही चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके बारे में पूरी जानकारी अगर इंटरव्यू वाले को लेना है तो आप लोगों से पहले कह कि आप अपना रिज्यूम दीजिए। रिज्यूम में दोस्तों आपका पूरा डाटा, नाम, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी योग्यता क्या है, आपका हॉबी क्या है, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में आपको वहाँ पर फिल करना रहता है। आप वही जो देते हैं तो अगला इंसान आपको क्या करेगा उसके अनुसार आपको पूरा जान जाएगा कि आप क्या क्या योग्यता रखते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी पूरी जानकारी वहाँ पर रहती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, आपका जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा हो और अच्छा हो और सटीक हो। ऐसा नहीं कि आप रिज्यूम लेके जा रहे हैं तो 20 पन्ने का ही रिज्यूम बना दे रहे हैं, अगला इंसान पढ़ते पढ़ते 20 पन्ना उसको 1 घंटा लग जाए तो वो रिज्यूम आपका गलत माना जाएगा, वो एकदम बेकार है, रिज्यूम किसी काम का नहीं है। इसलिए आपका रिज्यूम जो होना चाहिए छोटा हो और सटीक हो। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका नंबर पहला कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, छोटा हो और सटीक हो। ठीक, तो ए रिज्यूम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन करें, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? देखिए किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है दोस्तों यह होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि नौकरी का विवरण। तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है वह उसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में यह बताया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना है। तो जब भी आपकी जॉब लगती है दोस्तों, जैसे कि अगर आप आईटीआई कर लेंगे तो आप अगर बार का फॉर्म भरते हैं तो जो आप लोगों का लेटर आएगा, चाहे आप किसी भी पद पर है और ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ पर दोस्तों, या फिर आपका जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें जॉब ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है कि आप अगर सिलेक्शन इस पोस्ट पर ले लेते हैं तो आपसे क्या क्या काम कराया जाएगा,
वही होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आपको वहां पर होता है कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो होता है वह आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 68 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। तो जब भी आप आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, तो इंटरव्यू साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है दोस्तों वो होता है अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में जाए, यानी कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, यानी कि जब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, बुलाया बुलावा आए इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका अगला कदम क्या होगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाए, जब आपको कॉल कर यानी कि आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो अगला कदम क्या होगा, आपको इंटरव्यू में ही जाना है, तो अपीयर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम साक्षात्कार में जाना होता है। तो आपके पास अगर कॉल आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, यही चीज यहाँ पर कहा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, चूज सुटेबल डब्ल्यू एच वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, एनिमल डू यू लाइक, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा आपका विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हो, ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, कभी भी अगर आपका तीन नाम दिया जाए, ठीक, जैसे रोहन, डेविड और राम, तो जब भी तीन नाम दिया जाए तो दो नामों के बीच में दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टिंग में रहता है इसके बीच में कामा लगाते हैं, और जो लास्ट के दो रहते हैं इनके बीच में हम लोग एंड लगाते हैं, एक सेंटेंस में जब भी अंग्रेजी का सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका डैश आएगा और यहाँ पर एंड तो आपका है ही, तो यहाँ पर आपका कामा आएगा, 70 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कामा वाला अल्प विराम। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चूज द करेक्ट है रिस्पॉन्स फॉर गिवन क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन। तो अगर आपसे कोई कर हाउ हैव यू बीन तो आप क्या कहेंगे वहां पर, कि वेरी वेल एंड यू, मैं अच्छा हूँ तुम कैसे हो, ठीक। कोई कहे हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो हम कहेंगे हम अच्छे हैं आप कैसे हो, वेरी वेल एंड यू, ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कह रहे सही प्रतिक्रिया को चुने, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट, यहाँ पर आपको आएगा कि जब घटना घटी तो रात्रि के 10:30 हो रहे थे, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब डा 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 म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। 74 नंबर क्वेश्चन है कि करिकुलम वीटा इज आल्सो नोन एज, तो करिकुलम वीटा को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसको दोस्तों करिकुलम वीटा को हम लोग जानते हैं दोस्तों रिज्यूम के नाम से, तो रिज्यूम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ कंपेरेटिव एडजेक्टिव, योर पेंसिल इज डट डट देन माइन, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा कि योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर जो निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था ऑफिशियल, इसके आगे हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITA फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेट है वो देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, वी डड टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। कह रहा है कि ये जो दोस्तों आपको टेंस दिया गया है वी डड टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, कह रहा है इसको आपको फ्यूचर टेंस में रिप्लेस
बनाना है तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे। ठीक, तो अगर आपको दोस्तों इसको फ्यूचर टेंस बनाना है, यहाँ पर अगर आप इसको भरेंगे, जैसे कि पहला वाला अगर भरेंगे तो वी वेंट मतलब हम गए, ब्रेकफास्ट आफ्टर डू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि हम ब्रेकफास्ट के बाद चिड़ियाघर गए, गए मतलब हो जाएगा आपका पास्ट में हो जाएगा। तो पास्ट टेंस हमको बनाना नहीं है, हमको बनाना क्या है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए यहाँ पर आपको करेक्ट पता चल गया यहाँ पर आपका कि यहाँ पर आपका पहला तो नहीं होगा, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वी आर गोइंग, यानी कि आर गोइंग मतलब हम जा रहे हैं, टू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान की बात कर रहा है यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। हैड गॉन जा चुके, जा चुके मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, तो वी हैड गॉन मतलब हम जा चुके। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा भी नहीं होगा, तो बचा आपका क्या चौथा वाला बचा। चौथा वाला अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो वी विल गो यानी कि हम हमें ब्रेकफास्ट के बाद चिड़ियाघर जाना होगा, फ्यूचर टेंस ही आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा चौथा। ठीक, तो चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, दे डेड गुड फ्रेंड, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो भरा जाएगा दोस्तों, दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर इज एम आर ये सब आ रहा है तो यहाँ पर दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, तो दे आर गुड फ्रेंड यहाँ पर भरा जाएगा आर। ठीक, तो दे आर गुड फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ड द ट्रेन डेड थ्रू द टनल, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें, द ट्रेन डेड थ्रू द टनल, तो इसको दोस्तों भरना किसमें है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो हो, तो पास्ट लगाएंगे तो ये मतलब पास्ट अगर लगाएंगे तो ये बीत चुका है, इज पासिंग मतलब वर्तमान में पास कर रहे हैं, तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वह टनल से पास कर रहा है, यानी कि ये वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ये प्रोग्रेसिव टेंस में है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग, यानी कि द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन है वह आपका टनल के थ्रू या टनल के माध्यम से या टनल में प्रवेश कर रहा है। ठीक, तो इज पासिंग यहाँ पर आपका आएगा। हैड पास्ट रहेगा तो ट्रेन टनल को पार कर चुका था, तो वाज पासिंग कर रहा था, तो ये सब नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज पासिंग। इज पासिंग मतलब कर रहा है, वर्तमान में यहाँ पर आ जाएगा, प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव टेंस में यहाँ पर आपका इज पासिंग आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक टू प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आर यू गोइंग, कह रहा है उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ आपको रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। 55 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर प्रोनाउन, आई मेड दिस केक .. उचित सर्वनाम आपको दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो देखिए दोस्तों जब भी आई रहेगा आई के साथ, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं आई के साथ हमेशा माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे, यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ठीक, ही के साथ हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, इट के साथ इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे, ठीक। और देखिए एक होता है आपका हर सेल्फ, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं किसके साथ, सी के साथ, ठीक। तो ये चीजें मैं आपको बता दिया हूँ, आगे और भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है आई मेड दिस केक, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका, यहाँ पर भरा जाएगा आई के साथ, यहाँ पर माई सेल्फ यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक, तो आई के साथ माई हो जाएगा यहाँ पर। 55 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन वही आ गया, सी मेड दिस
उचित प्रॉपर प्रोनाउन आपको भरना है, सी मेड दिस केक। तो सी के साथ मैंने आपको यहाँ पर देखिए बताया है, सी के साथ हम लोग हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो हर सेल्फ यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो यहाँ पर 56 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सी हैज हर्ट। तो देखिए सी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है सी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो 57 के यहाँ पर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर सेल्फ। अब देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस, द लिटिल गर्ल्स आज रिवील्ड हर मिसचीफ। यहाँ पर कौन सा विशेषण भरा जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विशेषण भरा जाएगा यहाँ पर होगा द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज, यानी रिवील्ड हर मिसचीफ यहाँ पर हो जाएगा। तो ट्विंकलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्विंकलिंग मतलब होता है आपका चमकना, चमकीली आंख यहाँ पर हो जाएगा। 58 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन, माई हाउस इज एट द थर्ड फ्लोर, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भरा जाएगा वो रहेगा कि माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा जो घर है वह तीसरे मंजिल पर है। ठीक, तो माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा घर तीसरे मंजिल पर है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भरना है और सेंटेंस आपका क्या है, डट डट इज स्पीकर एट द फंक्शन। तो यहाँ पर क्या रहेगा ये आपको बताना है, यहाँ पर आएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। ठीक, यानी कि फंक्शन में कौन स्पीकर है, या फंक्शन में वक्ता कौन सा है, या बोलने वाला कौन सा है। तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का चौथा नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, जो निम्न स्तर की भाषा होती है उसका अन्य नाम क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज का जो दूसरा नाम होता है वो रहता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज आपका मशीन लैंग्वेज आपका होता है। ठीक, तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो देखिए दोस्तों जो उच्चारण होता है ये आपके प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करता है। जो हम लोग बोलते हैं वही हम लोगों का क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो प्रोनाउंसिएशन यही बताता है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के उत्पादन को हम लोग उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन से संदर्भित करते हैं। 62 यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए ये आपको दोस्तों कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको उसको एक ऑर्डर में लगाना है और ऐसे ऑर्डर में लगाना है कि आपके एक सुटेबल वर्ड पूरा कंप्लीट बन जाए। टीचर स्कूल वर्ड सी ए आई ऐसा दिया गया है, आप इसको मिक्स करके आप अगर सही सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के जैसा कार्य करती है। ठीक, तो सी वर्ड एज ए स्कूल टीचर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ज्यादा सुटेबल वर्ड बनेगा, सही वाक्य यही बनेगा। देखिए राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, आवाज की पिच का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है। तो देखिए आवाज की पिच का उठना और गिरना जो होता है ये दोस्तों आपका कहलाता है इंटोनेशन, यानी कि आवाज का उतार चढ़ाव। तो आवाज का पिच का उठना और गिरना ये आपका इंटोनेशन या आवाज का उतार चढ़ाव कहलाता है। 64 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन या विस्मयादिबोधक। तो वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है उसको हम लोग विस्मयादिबोधक या इंटरजेक्शन कहते हैं। 65 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज, जब आप शिक्षक प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको वहां पर किसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए जब भी आप शिक्षक से प्रशिक्षक से या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से आप अपना अभिवादन करते हैं या ग्रीट करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले आपको करना चाहिए गुड मॉर्निंग। अगर आपको सुबह का टाइम है तो आपको गुड मॉर्निंग करना चाहिए, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून करना चाहिए, शाम का समय तो गुड इवनिंग करना चाहिए, रात के समय तो गुड नाइट करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपको बोलना चाहिए, अभिवादन उनका करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, इस तरह से उनसे बात करना चाहिए जब उनसे आप पहली बार मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर दोस्तों ऐसे वर्ड में सिर्फ यहीं पर दिया गया है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलने से दोस्तों जो आपका बोलने का तरीका है वो आपका सही माना जाता है। हेलो, हाय, और हाय करेंगे किसी पर्सन से, किसी अधिकारी से तो हेलो करेंगे, हाय करेंगे, हे करेंगे, तो आपका गलत वर्ड माना जाता है। ठीक, तो आपको जब भी शिक्षक प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से मिलना है तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर सुबह का समय है तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग मिल गया, दोपहर का समय है गुड आफ्टरनून बोल देंगे, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर में कौन सा शब्द मूक अक्षर है। तो आंसर शब्द में जो मूक अक्षर है वो दोस्तों हम लोग आंसर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो डब्लू वर्ड आता है ये हम लोगों का साइलेंट रहता है। दोस्तों देखिए जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है क्वेश्चन, उसको मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके वहां से इसको कवर कर सकते हैं। और वहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, पिछले साल के जो क्वेश्चन है तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूं, और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक, और ये आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चल ही रहा है। अब जैसे 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ डॉज ऑफ डिस्कशन, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डॉज आता है। देखिए शिष्टाचारों में जो आता है वो आपका रहता है कि लिसन टू अदर, दूसरे के बातों को दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिसन टू अदर। यह आपका दोस्तों डिस्कशन इटिकेट में आता है, शिष्टाचार में आता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए डू नॉट ऑफ डिस्कशन इटिकेट, तो कौन सा शिष्टाचार का डोंट है, तो यानी कि जो शिष्टाचार में नहीं आता है वही आपको बताना है। तो शिष्टाचार में दोस्तों अनर्गल किसी से बहस करना या अर्गी अननेसेसरी या अनावश्यक किसी से बात करना, यह आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो शिष्टाचार के अंतर्गत ये आपका अनावश्यक बहस करना यह आएगा। ठीक, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का चौथा। बाकी शिष्टाचार के अंतर्गत अपना दिमाग को ओपन करके सुनना चाहिए, दिमाग खुला रखना चाहिए, जो अगला इंसान बोले उसको ध्यान से सुनना चाहिए, मध्य स्वर का प्रयोग करें, यानी कि किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उससे मीडियम आवाज या मॉडरेट टोन में बात करें। ठीक, ना तो उससे ज्यादा लो में बात करें ताकि आप डरे डरे से लगे, ना तो ज्यादा हाई प्रयोग करें आवाज ताकि ये लगे कि आप गुस्सा हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप मीडियम में आवाज रख के बात करिए, मीडियम मॉडरेट टोन में यूज बात करें तो वह आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। और अगला इंसान क्या कह रहा है उसको भी आप जरूर सुने, तो लिसन टू अदर ये भी आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। लेकिन अनावश्यक बहस करें किसी टॉपिक को लेकर किसी व्यक्ति से, ये आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दोस्तों जो मस्तिष्क होता है वह आपका सीपीयू होता है। ठीक, तो सीपीयू यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कार्डियल नंबर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो कार्डियल नंबर होता है वह आपका है 10, 10 आपका क्या है कार्डियल नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए कार्डियल नंबर, कौन सा कार्डियल नंबर है।
कार्डियल नंबर दोस्तों यहाँ पर वन है, ठीक। तो ये हो गया। देखिए दोस्तों कार्डियल नंबर होता है जो आपका सिंपल सी भाषा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या है, कार्डियल नंबर है। तो ये देखिए आपका 10 लिखा है ना यहाँ पर 10, तो ये आपका कार्डियल नंबर है। जबकि वी मतलब ये आपका रोमन अंक में है, ये सब आपका रोमन अंक में है, तो ये आपका कार्डियल नंबर नहीं है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर वन, वन मतलब एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आपके कार्डियल नंबर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिफ्थ, फिफ्थ यहाँ पर टी एच आ गया ना, फिफ्थ यानी कि पांचवा, ये आठवां, दूसरा, ये किसी भाग को बताता है, ये आपका कार्डियल नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आपके कार्डियल नंबर हैं, कार्डिनल नंबर हैं। यहाँ पर कार्डिनल नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन। विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है। देखिए दोस्तों जो विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य का दोस्तों यहाँ पर एक साइन होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आपको, सॉरी, क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल वाला होता है, जहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा ये भी आपका नॉर्मल वाला है। और जहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह दोस्तों यहाँ पर इस तरह का आपको चिन्ह दिख जाए, वो आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका पहला करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो विस्मयादि बोधक वाक्य यहाँ पर आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर विस्मयादि बोधक मार्क आ रहा है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य यहाँ पर पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस, कौन सा सक्रिय आवाज है। तो एक्टिव वॉइस में जो है वो आपको बताना है। तो राम हैज पास्ड द एग्जाम, तो ये आपका दोस्तों सक्रिय अवस्था में है, सक्रिय एक्टिव वॉइस में है, राम हैज पास्ड द एग्जाम। देखिए जहां पर इस तरह का नॉर्मल सेंटेंस दिखे वो आपका है दोस्तों एक्टिव वॉइस, ठीक। यहाँ पर बाय लग गया तो आपका आ गया पैसिव वॉइस, यहाँ पर बाय लग गया तो पैसिव वॉइस, बाय लग गया तो यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस, ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज एन पैसिव वॉइस, मैंने आपको ऊपर क्या बताया, जहां पर बाय लगे वो हमारा पैसिव वॉइस, जहां पर नॉर्मल लगे वो एक्टिव वॉइस। यहाँ पर आपको बाय खोजना है, जहाँ पर बाय खोजेंगे वही आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। बाय हमारा यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा है ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर ये हमारा पैसिव वॉइस में है, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का 3। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ITI फर्स्ट ईयर का सेट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, कौन से एक संयोजन नहीं है। संयोजन यानी कि कंजक्शन, ठीक। कंजक्शन दोस्तों किसको कहते हैं, कंजक्शन दोस्तों किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम वहां पर कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन का प्रयोग एंड मतलब और का प्रयोग हम लोग कंजक्शन के लिए करते हैं, और मतलब या ये भी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करता है, बट मतलब लेकिन ये भी दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन आन जो है दोस्तों ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर दोस्तों चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस संयोजन या कंजक्शन कौन सा नहीं है। तो आन हमारा संयोजन या कंजक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, आन प्रीपोजिशन है, ये किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो देखिए दोस्तों भूमिका निभाने का जो लाभ नहीं है, तो देखिए रोल प्लेइंग मतलब क्या होता है कि आत्मविश्वास पैदा करता है, ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों कि आत्मविश्वास पैदा करता है, ये बिल्कुल सही है। सुनने का कौशल विकसित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी आपका सही है कि रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। डेवलप बोर्डम,
डेवलप बोर्ड मतलब होता है दोस्तों आपका कि बोरियत पैदा करता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर गलत ही पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अलग करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है कि यह बोरियत पैदा करता है। ठीक, तो यही आपका यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया था कि जो लाभ नहीं है, तो 52 के यहाँ पर चौथा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन करें, विच वन इज नॉट ए वॉवेल, कौन सा स्वर नहीं है। तो दोस्तों देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर होते हैं दोस्तों आपके ए ई आई ओ यू, ये पांच अक्षर आपके क्या होते हैं, स्वर। स्वर को ही हम लोग बोलते हैं वॉवेल। ठीक, बाकी जितने भी ए से लेकर जेड के अंतर्गत इन पांचों को छोड़ करके जो भी बचते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कौन सा दिख रहा है कि जो वावेल नहीं है, तो ए भी आपका वावेल है, ई भी है, आई भी है, जबकि ये आपका एफ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका व्यंजन है वावेल नहीं है। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इटिकेट, कौन से एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो देखिए जो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है वह है आपको दोस्तों कि वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। तो दोस्तों औपचारिक रूप से ड्रेस पहनना यह आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। बाकी दोस्तों काम के लिए समय पर समय का पाबंद नहीं होना, यह भी आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों शिष्टाचार होने के लिए आपका समय का पाबंद होना जरूरी है। ठीक, एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। तो जब भी आप लोग कार्यालय में काम कर रहे हैं तो शिष्टाचार यही है कहता है कि आपके पास जो मोबाइल है कोई भी रहे लेकिन वो आपका साइलेंट मोड में होना चाहिए, इसका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है। वन शुड लेटर वंस वर्क प्लेस, व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए, जो इंसान जहाँ पर रहता है वहां पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, बल्कि आपको डस्टबिन जहाँ पर आपका हो वहाँ डस्टबिन में उनको कूड़ा डालना चाहिए, ये आपका शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों आपके गलत माने जाएंगे। और एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, जैसे कि औपचारिक रूप से पोशाक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए औपचारिक रूप से पोशाक वही होता है जैसे कि जो आपका हेड है वो दोस्तों अलग ड्रेस पहने हों, जैसे कि आप अपने कॉलेज का ले लीजिए कि टीचर दोस्तों आपके अलग ड्रेस में होते हैं और छात्र आपके अलग ड्रेस में होते हैं, इससे आपका एक पता चल जाता है कौन टीचर है कौन बच्चा है। ठीक, तो यही दोस्तों शिष्टाचार के अंतर्गत यही आता है कि आपके पास एक पोशाक होनी चाहिए, वो भी ड्रेस, एक ड्रेस होना जरूरी है ताकि जैसे कोई स्टाफ कार्य कर रहा है तो उसको ऐसा कोई दिक्कत ना हो कि अमीर गरीब या छोटा बड़ा ऐसा कुछ भेदभाव की वहां पर संभावना ना बन पाए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। तो होमोफोन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमोफोन उसको कहते हैं कि एक वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, वह तो आपको होमोफोन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट डट डॉट कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है क्या। दोस्तों अगर आपके अंदर अंदर डेडिकेशन है, निष्ठा है अंग्रेजी सीखने की, तो आपको अंग्रेजी सीख सकते हैं। यहाँ पर निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, यानी कि अंग्रेजी सीखने का अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अंग्रेजी का डर है, अंग्रेजी का क्रोध है या फिर अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है तो आप लोग अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। तो आप सीख कैसे सकते हैं, अगर आपके अंदर निष्ठा है, डेडिकेशन है अंग्रेजी सीखने की, तो ही आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है,
यहाँ पर डेडिकेशन यहाँ पर आपको फील होगा। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच प्रोनाउंसिएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। निम्न वाक्य में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज देयर यानी कि यहाँ पर आपको पता चलिए क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है, तो 57 के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, वेन इज कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक वाक्य की शुरुआत में बड़े अक्षर का प्रयोग, बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही कहा गया है कि जब भी कोई हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है वह आपका कैपिटल होता है, बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति का नाम है तो वो भी कैपिटल लिखा जाता है, ये भी सही है। कोई अगर स्थान है वो भी आपका कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल द एबव ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं, चाहे किसी वाक्य का पहला अक्षर हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, तो वह सभी कैपिटल लेटर से पहला अक्षर लिखा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो वर्णनात्मक शब्द है वो है जैसे कि वर्णन जो करता हो, जैसे कि कोई कॉफी है अगर वो गर्म है तो वो उसका वर्णन कर रही है कि ये आपका जो कॉफी है ये आपका गर्म है। तो यहाँ पर आपका हॉट क्या है, वर्णनात्मक शब्द है, ये वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ये जो आपका कॉफी है या चाय है ये आपका गर्म है। 59 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई आपको थैंक यू या धन्यवाद कहता है तो उसे जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग भी कमेंट में थैंक यू जरूर लिखें। ठीक, तो थैंक यू की बात यहाँ पर की गई है और जो जो लोग थैंक यू बोलेंगे मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक, इस वीडियो के नीचे जो जो भी छात्र थैंक यू लिखेंगे मैं उनका यहाँ पर जवाब या रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक, तो चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर थैंक यू लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको बदले में क्या कहना चाहिए, तो योर वेलकम कहना चाहिए, आपका स्वागत है। तो आपको जब भी कोई व्यक्ति धन्यवाद बोले या थैंक यू बोले तो आपको क्या कहना चाहिए, आपका स्वागत है या योर वेलकम, या फिर आप लोग शॉर्ट में वेलकम कह सकते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। पहले चूज द ऑड वर्ड, विषम शब्द को चुनने को यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों देखिए, जो विषम शब्द है वो होता है आपका पेपर, बाकी दोस्तों प्लीज, कृपया, सॉरी और थैंक, ये सब बोलने के वर्ड है, जबकि पेपर आपका क्या है, आपका ये हार्ड कॉपी है, मतलब लिखने की चीजें हैं, बाकी ये सब आपके बोलने, थैंक, सॉरी और प्लीज, ये सब आपके बोलने के शब्द हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, आई एम ए वेल्डर, आई वर्क विथ, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। तो देखिए, यदि मैं एक वेल्डर हूँ तो मुझे दोस्तों किसके साथ कार्य करना चाहिए, तो वेल्डिंग टूल्स या वेल्डिंग उपकरण के साथ हमको कार्य करना चाहिए। ठीक, तो नेल पॉलिश, रोबोट और लैपटॉप के साथ मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक वेल्डर हूँ, तो वेल्डिंग उपकरण मेरे पास होने चाहिए। 62 के यहाँ पर तीसरा वेल्डिंग टूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 63 नंबर का, टूडे वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम क्या होने जा रहा है। तो आज का मौसम दोस्तों आपका गर्म है, तो गर्म होने जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वार्म, तो टूडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, आज का मौसम गर्म होने जा रहा है, जबकि आशापूर्ण, नीला, बहुत जरूरी, ये सब कुछ नहीं यहाँ पर भरा जाएगा, आपका गर्म या वार्म यहाँ पर आपका भरा जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, द वर्ड वेन डिनोट्स, शब्द वेन किसको दर्शाता है। तो देखिए, शब्द वेन जो है, वेन मतलब होता है जब, जब किसको बताता है, तो ये दोस्तों बताता है आपका टाइम को, यानी कि समय को बताता है।
स्पेशल समय, यहाँ पर टाइम यानी कि समय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्हेन आपका समय को बताता है। राहुल इंजॉय द डड डड विथ हिज पेट डॉग, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ किसमें मजा आता है। देखिए राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में उसको मजा आता है, तो प्लेइंग यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि कुत्ता लिखेगा नहीं और डूइंग यानी करने में काम, तो कुत्ते के साथ कोई काम तो होगा नहीं। और वॉशिंग यहाँ पर कुत्ता धोएगा भी नहीं, तो कुत्ता क्या करेगा, सिर्फ खेल सकता है। तो राहुल को अपने कुत्ते के साथ खेलने में मजा आता है, यहाँ पर आपका 65 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ वीकनेस थॉट्स बिलीफ मोटिवेशन वैल्यू इटीसी इज कॉल्ड, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत कमजोरियों विचारों विश्वासों प्रेरणा मूल्य आदि सहित को क्या कहा जाता है, जिसको दोस्तों कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत कमजोरी विचारों विश्वासों प्रेरणा मूल्य आदि सहित को हम लोग आत्म जागरूकता कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान को गठित करने में कौन सा नहीं है। देखिए हमारी पहचान को गठित करने में जो नहीं है वो है आपका कि मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में अंक प्राप्त करना, यह आपकी पहचान से संबंधित नहीं है। ठीक, जबकि आपका ओपिनियन वैल्यू और लाइक ये आपका पहचान बनाने में बहुत मदद करता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं व्हाट आर द एबिलिटी एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो क्या है। तो ये होता है दोस्तों आपको पर्सनल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत ताकत, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट आर कंसीडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है वो रहता है आपका पर्सनल वीकनेस यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियां, जो आपकी कमजोरियां हैं अगर आप लोग उस पर काम करेंगे तो आपके जो नकारात्मक गुण हैं वो आपके दूर होंगे और आप एक सकारात्मक व्यक्ति बनेंगे। ठीक, और आपको जो स्ट्रेंथ होगा वह पर्सनल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। देखिए व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है आपका आलसी होना, बीइंग लेजी, अगर आप आलसी हैं तो समझिए आपका व्यक्तिगत कमजोरी यही है। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास है तो ये आपका अच्छी बात है, मेहनती है ये भी अच्छी बात है, आप सक्रिय पर्सन है तो भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों आलसी होना ये आपका व्यक्तिगत कमजोरी है, आपको लेजी या बीइंग लेजी या आलसी होना नहीं चाहिए। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन है कि गोल्स आर ऑफ टू टाइप, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म एक होता है शॉर्ट टर्म। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण बता दूँ कि देखिए जब भी कोई लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्पकालिक दूसरा होता है आपका दीर्घकालिक। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं ठीक, तो उसमें दोस्तों टारगेट ये नहीं किया जाता है कि मैं आज कंपनी बैठाऊंगा और कल से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आपके जो लक्ष्य होते हैं ये देखा जाता है कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपका एग्जाम है ये दोस्तों अल्पकालिक है, आपको 2 दिन 4 दिन प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आपका एग्जाम सर पे है। ये आपका दोस्तों अल्पकालिक है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन यही आपके पास दोस्तों स्टार्टिंग में रहा होता तो आपका लॉन्ग टर्म में आपका लक्ष्य होता कि हाँ हमको साल भर में इतना सिलेबस पढ़ना है, इतना मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपका लॉन्ग टर्म में गोल आप बनाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप शॉर्ट टर्म में गोल बनाएंगे कि हमारा एग्जाम 3 दिन बाद है तो 3 दिन के अंदर पूरा शॉर्ट
काट में खत्म कर देना है। ये होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। तो दोस्तों जो तनाव होता है ये आपका कहलाता है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना को ही हम तनाव बोलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ दीज इज एन साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव का संकेत इसमें से कौन सा है। तो देखिए अच्छे तनाव का है कि डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है एन एक्टिविटी दैट स्टॉप्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड ए स्ट्रेस बस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहता है, आपका आंसर कौन सा, एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। तो दोस्तों जो स्ट्रेस बस्टर नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना ये दोस्तों आपको स्ट्रेस बस्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये तनाव को बढ़ाएगा। ठीक, तो गतिविधि जो तनाव को, ये तो तनाव को रोकेगा नहीं बल्कि तनाव को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक, तो तनाव को रोकने का समय पर बिस्तर जाना, यानी कि समय से आप अगर सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, समय से बैठ रहे हैं, तो वो आपके तनाव को कम कर सकती है। लिसन टू म्यूजिक, अगर दोस्तों म्यूजिक सुन रहे हैं तो जब तक सुन रहे हैं तब तक के लिए आप कुछ समय के लिए आप उसे भूल सकते हैं, तो तनाव आपका कम हो सकता है। गार्डनिंग यानी कि बागवानी, बगीचों में आप घूमने चले जाएं तो भी आप लोगों का तनाव कम हो सकता है, लेकिन समस्या के बारे में लंबे समय तक सोचते रहने से आपका तनाव और बढ़ेगा, ना कि आपका तनाव रुकेगा। तो 74 यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस क्या है। तो माइंडफुलनेस है दोस्तों कि इट इज द एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट, एक यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता आपको माइंडफुलनेस कहलाता है, यानी कि पूरा दिमाग खोल के आप बैठ चुके हैं। ठीक, तो ये आपका 75 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेट नंबर तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से जो भी स्टूडेंट दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तीनों सेट देख चुके हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस तीनों सेट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैंने जो कहा था कि कमेंट में थैंक यू लिखने के लिए, तो आप लोग थैंक यू जरूर लिख के जाएं, और मैं आपको हार्ट यानी कि दिल वाला चिन्ह यहाँ पर आपको कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।